मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। क्या बात, अगर इंसान चाहे तो क्यों नहीं, कुछ नहीं कर सकते। देखिए पैगाम में मोहब्बत, इस नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मैसेज ये जो मोहब्बत का जो पैगाम है, ये आइडिया ऑफ इंडिया और ग्रंथ म्यूजिक की एक कोशिश है कि हर दिलों में मोहब्बत जगाए जाए और नफरत जो है वो मिटाए जाए। और म्यूजिक, संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू में आप ये कर सकते हैं। तो उमर सिद्दीकी जी ने जब मुझे ये प्रोग्राम के बारे में कहा कि इसे कॉन्सेप्ट ये है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो क्या है, आजकल आप गाना गाने सुनते हैं, बहुत सारे गाने में जो लैंग्वेज है वो जो हिंदुस्तानी जबान और जो गजल धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है। बिल्कुल, अभी गाने में भी बहुत सारे हम देखते हैं जो क्या क्या गाना शब्द यूज किया जा रहा है। पिछले गाने जब लता जी आशा जी के अब गाने देखेंगे, गजल ही थी और गजलनुमा गीत, शायरी कमाल की शायरी थी, तो सुनने में अच्छा लगता था। तो अभी अभी जो इस वक्त जो गाना हो रहा है उसमें बहुत कम उसमें जो जबान इस्तेमाल किया जा रहे हैं, बहुत ही सुनते हैं, तो उसको चेंज जरूरी है। तो ये जो कोशिश है मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने तुरंत हाँ कर दिया कि बहुत अच्छा है। वो चाहते थे गजल को रिवाइव करना, हिंदुस्तानी जबान को रिवाइव करना। तो इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोग्राम और इसमें एक आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट। नॉर्मली गजल प्रोग्राम में हम देखते हैं गजल गाते हैं बस, लेकिन ये अलग ही है। मैं गजल गाऊंगी, उसके बाद जूही द ब्यूटिफुल एक्ट्रेस शी विल नैरेट जो मैंने क्या गाया, रक्षांदा जी एंकरिंग करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसमें और भी खास बात ये है, इसमें कोई फिल्मी गजल है नहीं, ऑल न्यू गजल्स और बहुत सारे मतलब एक ही शायर के नहीं है इसमें। गालिब जी है, मोमिन, सरदार अंजुम, जिगर मुरादाबादी, बड़े बड़े शायर इसमें है। गजल हम उनके गाएंगे, निदा फाजली, अहमद फराज, निदा फाजली, यस 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 यस, सो लॉट ऑफ मॉडर्न, यू नो, निदा फाजली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेयर गालिब इज कमिंग, मगर यस उनकी भी शायरी है, शायरी है। और उसमें जो म्यूजिक है इसमें एकदम डिफरेंट, एकदम आप कह सकते जो आज के जो कॉन्सेप्ट है म्यूजिक का उसके हिसाब से हमने किया है। इसमें ड्रम्स रहेगा, मतलब बहुत ही मॉडर्न एकदम, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, देने की कोशिश की गई है। अच्छा, हिंदी सिनेमा में अगर बात करें तो हिंदी में सबसे पहले जिन्होंने गजलों की शुरुआत, गजलों को लिखने की शुरुआत की थी वो दुष्यंत कुमार ने की थी। उसके बाद से जब उर्दू इन गजलों में ऐड ऑन हुई तो थोड़ा समझने में दिक्कत होने लगी लोगों को। तो क्या इस बार जो जिस तरह से आप ये पैगाम मोहब्बत पेश करने वाले हैं, क्या उर्दू शब्दों उर्दू का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर कुछ कुछ आसान हिंदी शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा? बॉलीवुड में प्रोग्रेसिव राइटर्स का जो मूवमेंट था, उसके जितने राइटर्स थे उन सब ने कंट्रीब्यूट किया है लिरिक्स में, चाहे वो कैफी साहब हों, चाहे वो साहिर लुधियानवी हों, मजरूह सुल्तानपुरी हों, दे ऑल हैव रिटन गजल्स एज वेल, एंड और उनकी शायरी से इंस्पायर होके आगे चलकर भी साहिर हो गए। बहुत लोगों ने गाने लिखे हैं, गजलें लिखी हैं ओरिजिनल, जैसे गालिब से भी इंस्पायर होकर गुलजार साहब ने भी लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, दिल ढूंढता है आज भी फुर्सत के वो रात दिन, यू नो, सो आइदर ओरिजिनल गजल्स ऑफ दी शायर्स जो वैसे शायर थे और जिन्होंने बॉलीवुड, उस वक्त हिंदी सिनेमा ही कहते थे, अब बॉलीवुड कहते हैं, के लिए लिखा, और फिर आके आगे जाके मॉडर्न डे उर्दू या लिरिसिस्ट ने भी वहां से इंस्पिरेशन लेकर अपनी चीजें लिखी हैं। उर्दू, यस, डेफिनेटली है, क्योंकि जिन शायरों की आप बात कर रहे हैं उनकी जो जबान थी लिखने की वो उर्दू ही थी, सो प्रीडोमिनेंटली देयर इज उर्दू, ऑफ कोर्स।
पर जो हमारी भाषा है वैसे भी, जो आम भाषा हम और आप बात करते हैं, वो हिंदुस्तानी है, जो उर्दू और हिंदी का एक मिश्रण है। बिल्कुल राइट, तो करेक्ट. कोशिश ये है कि जो हमारी गजलें हैं वो बिल्कुल उर्दू में हैं, मगर जो बातें उसके अलावा कही जा रही हैं, चाहे वो रक्षंदा कहेंगी इंट्रोडक्शन में या मैं बात करूंगी नरेशंस में, उन्हें हमने कोशिश किया है कि हम हिंदुस्तानी में बात करें, कि हमारी जो आम ऑडियंस है वो उर्दू का भी लुत्फ उठाए और जो समझने वाली चीजें हैं वो आम भाषा में समझ पाए। जी मधुश्री जी, मेरा जो ये है ऑब्जर्वेशन ये है कि जो भी हिंदी गाना मैं सुनती हूँ फिल्मों में, तो उसमें बहुत कम गाना है जिसमें सिर्फ हिंदी में लिखा है. हिंदी उर्दू मिक्स ही है. उर्दू इज ए ब्यूटिफुल लैंग्वेज, हिंदुस्तानी लैंग्वेज है. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज नहीं है, बट आई थिंक जूही आई एम राइट, इट इज ए हिंदुस्तानी जबान. बिल्कुल. जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा, तो अच्छे फिल्मों लिरिक्स, में अगर द मोमेंट हम अच्छी लिरिक्स की बात करेंगे तो वो हिंदुस्तानी जबान ही होगी मधुश्री जी, जी, एब्सोल्युटली राइट। तो इसमें हिंदी उर्दू मिक्स से हम जो बात कर रहे हैं ना, तो भी हिंदी मिक्स, हिंदी उर्दू मिक्स ही होती है. तो इसमें कोई मुश्किल शब्द नहीं होगा. इवन कुछ कुछ हिंदी शब्द है जो बहुत मुश्किल है, मुझे समझ में नहीं आती, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी. जैसे जूही ने कहा है, इसमें आसान शब्द रहेंगे ताकि लोग समझ सके. इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि लोग समझ सके और इसका आनंद उठाए. ये भी मैं जानना चाहूंगी और ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि उर्दू से, गजलों से आपका पहला प्यार, पहला इश्क कैसे हुआ, क्या सुनकर हुआ, फॉर मी या फ्रॉम बोथ ऑफ यू? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कहानी. मैं तो हूँ बंगाली, मुझे तो बंगाली और इंग्लिश के सिवा कुछ आती नहीं थी, हिंदी भी नहीं आती थी ठीक से. और मैं आई बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग करने, तो सब लोगों ने कहा तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन ठीक करो, उर्दू सीखो. तो मैं उर्दू सीखने लगी. तो उसमें मुझे बहुत, जब उर्दू सीखने लगी मुझे बहुत टाइम कॉन्ज्यूमिंग हुए हैं और मुझे लगा कैसे करें. तो किसी ने कहा एक काम करो, तुम तो सिंगर हो, गजल गाना शुरू करो. तो मैंने कहा गजल, अरे बाप रे, इतने मुश्किल मुश्किल शब्द कैसे करो. गजल के नाम पे हम लोग को लगता है ना भारी भारी शब्द. तो कहा कोई बात नहीं, गाते गाते लोग तुम्हें सिखा देंगे, बोल देंगे, सीख जाओगे, गाते गाते सीख जाओगे. बिल्कुल ऐसा ही हुआ. मैं गाने लगी, लोगों के पूछने लगी इसका मीनिंग क्या है. गजल, गजल नहीं, गजल. तो ये सब धीरे 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 गाते गाते, और उस वक्त मुझे बहुत प्यार हो गया. मैंने देखा गजल इज अ ब्यूटिफुल स्टाइल जिसमें शायरी जो है मेन. इट्स लाइक यू कैन कॉल, इट्स लाइक रविन्द्र संगीत. रविन्द्र संगीत पे भी लिरिक्स जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट, और गजल में भी ऐसे ही है, लिरिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उस वक्त गाते गाते, प्रोग्राम करते करते, तो मुझे, मैं सीख भी गई और मुझे प्यार भी हो गया. पहला गजल आपका जो आपने सुना और उसकी मीनिंग आपको काफी अच्छी लगी, अगर आप सुनाना चाहें. अगर मैं अभी सुना दूंगी तो आप प्रोग्राम में आएंगे नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्रोग्राम में 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर आप आइए, प्रोग्राम में सुनिए और देखिए. सच ए इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम. जूही जी, आपसे भी जानना चाहते हैं उस पहले इश्क के बारे में, कहाँ से शुरुआत हुई? तो आई वुड से आई एम वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि मेरी परवरिश एक ऐसे घर में हुई है जहाँ शायरी, उर्दू जबान मेरे आसपास सब था। तो हमेशा से ही सुनती आ रही हूँ चीजें, अच्छे कलाम सुनते आ रही हूँ, शायरों की बातें सुनती आ रही हूँ। सो बट आई थिंक मैं खुद मैंने जो सुनना शुरू किया था वो ऑफ कोर्स अप्रिशिएट करना शुरू किया था गुलजार साहब को एंड जावेद साहब की लिखाई को। एंड व्हेन माय पेरेंट्स, स्पेशली माय मदर, जब उन्होंने ये देखा कि मेरा इस तरफ रुझान है, इंटरेस्ट है, तब उन्होंने मुझे लिटरली बैठकर और शायरों से इंट्रोड्यूस किया और किताबें दी, और धीरे धीरे मतलब साहिल बताया या कैफी बताए, फिर उसके आगे फिर गालिब या खुसरो, यू नो। सो
डेफिनेटली थैंक्स टू माय मदर आई वाज एबल टू आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू शायरी एंड गजल। कोई आपकी पसंदीदा शायर जिनकी गजलें आप अक्सर सुना करती हैं? एक्चुअली जगजीत जी ने जो पूरा गालिब गाया है वो बहुत ही खूबसूरत है। आई एम श्योर मधुश्री जी विल अग्री विद मी। बहुत बहुत एंड वैसे भी आई थिंक जगजीत जी की आवाज में जो एक क्वालिटी थी, जो एक मखमली क्वालिटी थी, वो गजल सिंगिंग को बहुत ज्यादा सूट करती थी। एंड जैसे वही क्वालिटी है जो आप जब कोई भजन गाते हैं, वही वही दैट सूदिंग क्वालिटी आई रियली थिंक जगजीत जी है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ जगजीत जी दैट आई हैव हर्ड। मधुश्री जी, आपसे भी जानना चाहूंगी कि हमेशा आप जितने भी आपके शोज होते हैं उसमें किसी ना किसी आर्टिस्ट को आप लोग ट्रिब्यूट जरूर देते हैं, तो इस बार कुछ ऐसा है? इस बार गालिब, मोमिन, जिगर मुरादाबादी सभी को हम ट्रिब्यूट करेंगे, जी क्योंकि कंपोजिशन सब जिस नया है, जो म्यूजिक कंपोजिशन है, जो सुर है गाने के सुर सब न्यू कंपोजिशन है, तो इस हिसाब से हम शायर को ट्रिब्यूट करेंगे। जी क्या ये जुगलबंदी आपकी और जूही मैम की मैं फिलहाल यहाँ देख सकती हूँ? क्योंकि जी स्टेज पर तो देखने की मिलेगी, लेकिन एक शायरी अगर आप साथ में हो जाए और जूही जी उसका नरेशन करके कर दें, तो एक जुगलबंदी तो देखनी बनती है ना? देखिए दैट इज द सरप्राइज। एक्चुअली हाँ, और वो क्या है, इट्स नॉट रियली जुगलबंदी, शी हैव टू, उन्हें वो गजल गानी पड़ेगी यू नो, एंड फिर मैं उसके मायने समझाऊं। तो वो डेफिनेटली ऐसी चीज है जो आप आकर ही देखें तो उसका ज्यादा आपको मजा इसीलिए आएगा, आपको उसका आना ज्यादा है, लुत्फ क्योंकि मिलेगा। सच ही इंटरेस्टिंग मतलब प्रोग्राम जो पहले कभी नहीं हुआ, इट्स फर्स्ट टाइम आई थिंक, है ना जूही जी? यस, एंड व्हाट आई फील यू नो, द मोमेंट यू थिंक ऑफ गजल यू ओनली थिंक ऑफ मेल सिंगर्स। आई थिंक दिस इज सो यूनिक दैट आइडिया ऑफ इंडिया फाउंडेशन ने ये सोचा, उमर भाई ने ये सोचा दैट दैट ही वांट्स अ लेडी सिंगर। इट्स वेरी इजी टू गेट अ मेल सिंगर ऑल्सो, मगर दिस होल कॉन्सेप्ट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैगामे मोहब्बत, यू नो, टू हैव द विमेन रिप्रेजेंटेड, No, the three of us there and three of us doing our little contribution to it, और उसमें मधुश्री जी की आवाज उन्होंने चुनी, you know, and I really have lot of love, respect and such high regard for her as an artist. You know, मैं कल ही इनसे कह रही थैंक थी, मैं कहा ऐसे कैसे होता है कि मतलब आप लोग ना, her mother tongue is Bengali and she herself was saying कि मैं तो बंगाली, मैं, मगर जब गाती है तो हाउ शी साउंड्स लाइक समबडी जिसने बचपन से सिर्फ और सिर्फ उर्दू ही बोली होगी, विच इज सो स्वीट अमेजिंग। ऑफ यू, सो दैट्स अ स्वीट ऑफ फैक्ट, यू। मतलब मैं अगर आज उर्दू के लफ्ज बोल लेती हूँ तो वो तो बोलना ही है, मैंने वो ही जबान सुनी है घर में, अगर मैं नहीं बोलू तो लानत है मुझ पर, यू नो, बट इट्स अमेजिंग, यू नो, इतना इट्स इट इज सो इंस्पायरिंग, एब्सोल्यूटली। क्या आई थिंक द मधुश्री सिंगर्स, जी, आई थिंक सिंगर्स हैज द ब्लेसिंग्स, कोई भी लैंग्वेज में अगर सही तरह से सुन के गाएं तो गा लेते हैं। अब नुक्ता लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं? कुछ नहीं, क्योंकि जब मैं कोई भी गाना गाती हूँ तो वो मेरे लिए पूजा है, तो मैं बहुत सीरियस होके और स्टडी करती हूँ। ऐसा नहीं गाना सुना गा लिया, मैं गाने क्या है, गाने का मीनिंग क्या है, उसका शब्द क्या है, उसको जब तक मुझे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि इस शब्द में ऐसा साउंड होना चाहिए। म्यूजिक इज साउंड, म्यूजिक इज साउंड, द साउंड इज गॉड, तो साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप साउंड को पकड़ ले तो इतना मुश्किल नहीं है। और फिर कहावत है ना, मुश्किल नहीं है कुछ भी, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, अगर क्या बात, इंसान लवली। चाहे तो क्यों नहीं कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का मुझसे बात करने के लिए, एंड आई होप ये जो आपका शो है एक अच्छे मैसेज के साथ, मोहब्बत के पैगाम के साथ बहुत अच्छा जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वर्षा, सो और काइंड ऑफ यू, थैंक यू। मैं चाहूंगी सभी जो
सुनने वाले देखने वाले दर्शक हैं, श्रोता हैं, सब आए। यूनिक कॉन्सेप्ट, आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, रक्षांदा खान इतनी खूबसूरत एंकर आएगी स्टेज में, आप सबको बुलाएगी, मतलब समझाएंगे गजल के बारे में, फिर मैं गाना शुरू करूंगी, उसके बाद इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस जूही जी, वो उसके बारे में बताएंगे। पहले कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ, तो वी हैव टू कम एंड यस, दैट विल बी सुनने में ब्यूटिफुल। इतना इमेजिन करने में इतना खूबसूरत लग रहा है, और कोई यस भी ये सुनकर, आप लोगों को सुनकर चाहेगा कि फ्रंट सीट में बैठकर आपका ये शो देखा जाए। जी बिल्कुल, वही वाली सीट लेनी चाहिए, उसकी टिकट भी अच्छी प्राइस की जी, थैंक यू वेरी मच मुझसे बात करने के लिए।